हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई यू चैनल थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल आप में से काफी लोगों ने ऑलरेडी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है फॉर डाउनलोडिंग ऑल द रिसोर्सेज अगर आपने नहीं किया

factors let us begin today's topic let's have a brief introduction about the topic first so endro edward t hall was an anthropologist वैसे भी अगर आप आपने अगर मेरी OB की uh, के डिसिप्लिनस के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था वहां पे मैंने क्लियरली बताया था दैट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय anthropologist और एंथ्रोपोलॉजी से बहुत सारी चीजें यहाँ पे इन्फ्लुएंस होकर आई है एंड दैट इज द रीजन वाई लॉड ऑफ थ्योरीज हैज बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो एडवर्ड टी हॉल हॉल वॉज ऑल्सो एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु मेड हिज अर्लियर डिस्कवरीज इन आइडेंटिफाइंग कल्चरल फैक्टर्स सो ही वॉज इंटरेस्टिंग इन अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल डिफरेंसेज अमंग डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट कंट्रीज ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कल्चर को इन्होंने एक्सप्लोर किया था जस्ट लाइक हॉफस्टेड और इन्होंने कुछ कल्चरल फैक्टर्स निकाले ऑन द बेसिस ऑफ विच कंट्री डिफर्स फ्रॉम अदर कंट्री सो so, इनका जो पूरा ऑब्जेक्टिव था इस थ्योरी को देने का वॉज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का जैसे इंडिया का कल्चर जापान से अलग है जापान का कल्चर यूएस से अलग है और इन यूएस का कल्चर कोरिया से अलग है उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो है उनका कल्चर अलग अलग होता है एंड दैट इज द रीजन वाई वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड दैट वाई दीज डिफरेंसेज एग्जिस्ट एंड ऑन वट फैक्टर्स एक्चुअली द डिफरेंशिएट और इसका रीजन ये था कि लेटर दिस थ्योरी वॉज ऑल्सो अप्लाइड टू द कंटेक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ सालों के बाद इनकी इसी थ्योरी को लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्सट में भी अप्लाई किया तो इनकी जो फैक्टर्स थे वो क्या थे उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं तो देर वर थ्री फैक्टर्स वन इज कॉल्ड कंटेक्ट सेकेंड इज कॉल्ड स्पेस एंड थर्ड इज कॉल्ड टाइम इन्होंने कहा जो कल्चरल डिफरेंसेज होते हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज वो तीन रीजन की वजह से होता है या तो उनके कंटेक्स में डिफरेंस है या तो उनके स्पेस को देखने का तरीकों में डिफरेंस है या तो उनका जो टाइम है उसमें डिफरेंस है दैट इज द रीजन वाई जो है डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं तो अब इन इन तीनों फैक्टर्स को हम डिटेल में समझते हैं एंड दैट इज द फर्स्ट फैक्टर इज कॉल्ड कंटेस्ट अब कंटेक्ट यहां पर क्या है तो उन्होंने कहा दिस एट्रीब्यूट इज डिवाइडेड इंटू टू थिंग्स अब ये दो पार्ट में डिवाइडेड है वन इज कॉल्ड हाई कंटेक्ट अनदर इज कॉल्ड लो Context. तो कोई भी जो कंट्री होती है या कोई भी जो कंट्री का कल्चर है वो बेसिकली या तो वो हाई होगा या तो वो लो कंटेक्सट होगा और इन दोनों के बीच में में क्या होंगे इसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे अब इट एक्सप्लेन हाउ मैसेज इज कम्युनिकेटेड कम्युनिकटेक्स का मतलब क्या है कंटेक्स का मतलब है कि जो मैसेज कम्युनिकेट होता है इन कंट्रीज में लोगों के बीच में ऑर्गेनाइजेशन के बीच में तो वो जो मैसेज है वो किस तरीके से कम्युनिकेट होता है वो कंटेक्स को डिफाइन करता है राइट एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द मैसेज क्योंकि मैसेज में डिफरेंस है मैसेज को देने के तरीके में डिफरेंस है उसी वजह से कंट्री के कल्चर में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो कंटेक्स उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं तो ये कुछ डिफरेंसिस है इसको समझते हैं द फर्स्ट डिफरेंस इज कॉल्ड ऑफ मैसेज मैसेज का को जो देने का तरीका है उसमें क्या डिफरेंस है तो फर्स्ट यहां पर आप ध्यान से पढ़ेंगे मेनी कोवर्ट एंड इंप्लिसिट मैसेज And use of metaphor and reading between the lines. That means, कि यहां पे जो हाइट कंटेक्सट कल्चर होते हैं यहां पे कुछ कंट्रीज के भी मैं नाम लेता तो, हूँ जैसे इंडिया हो गया अब इंडिया में ना बहुत रेयरली आपको लोग मिलेंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे या एशियन कंट्रीज के साथ ही ये देखने को मिलता है दैट द पीपल डोंट टॉक स्ट्रेट फॉरवर्ड वो कभी भी किसी चीज को सीधा सीधा नहीं बोलते उस चीज को घुमा फिरा कर बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक्जाम्पल देता हूं ये आपके साथ भी हुआ होगा फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने मुझे कोई काम कहा और मुझे वो काम नहीं करना है तो वर्ड आई आई विल नेवर से स्ट्रेट फॉरवर्ड नो मैं बहुत रेयरली किसी को ना बोलूंगा मैं कहूंगा यार मैं बिजी चल रहा हूं मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही दैट मीनस आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं दे रहे यू आर यूजिंग सम मेटाफर जहां पर सामने वाले को काफी समझने में दिक्कत होगी उसको डिकोड करना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली मैं आप मैसेज क्या दे रहे हो अगर मैं ये कह रहा हूं दैट आई एम बिजी दैट मीनस मैं ये काम नहीं करना चाहता हूं दैट्स दैटिंग आई एम सेइंग आई एम बिजी एंड दैट इज द रीजन वाई यहां पर क्या है जो मैसेज होते हैं वो डायरेक्टली मैसेज नहीं दिए जाते जबकि अगर लो कंटेक्स कल्चर की बात करें जैसे हम यूएस की बात करें ऑस्ट्रेलिया की बात करें यहां पर क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब होने का मतलब क्या है दैट मैसेज आर कंप्लीटली एक्सप्लिसिट एंड डायरेक्ट बिल्कुल सिंपल और डायरेक्ट होते हैं इफ आई डोंट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ़ वर्क आई विल से नो आई डोंट वांट टू डू इट सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही होता है आप आप ये और आपने भी कई बार इसको एक्सपीरियंस किया अगर आपने एक्सपीरियंस किया तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन मुझे बताना आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है लोकस ऑफ कंट्रोल की बात करें तो यहां पर इनर लोकस ऑफ कंट्रोल है इनर लोकस ऑफ कंट्रोल एंड पर्सनल एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर यहां पर क्या होता है कोई भी चीज में हम फेल होते हैं अगर वी आर नॉट एबल टू डू इट तो वी एक्सेप्ट आर फेलियर्स एंड वी से दैट वी आर नॉट एबल टू डू इट हम नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ आर रीजन ऑन द अदर साइड यहां पर आउटर लोकस ऑफ कंट्रोल है हम फैक्टर्स को ब्लेम करते हैं अगर लो कंटेक्स कल्चर की बात करें लो कंटेक्स कंट्रीज की बात करें तो वहां पर लोग अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेते वो कहते हैं ये वो चीज हुई है अगर ये काम गड़बड़ हुआ है तो इसी वजह से हम फेल हो रहे हैं सो दे विल नॉट टेक देयर फेलियर्स ऑन देयर ओन दे विल ऑलवेज ब्लेम अदर फैक्टर्स और सिचुएशनल फैक्टर्स और मे बी अदर पीपल फॉर देयर फेलियर तीसरी चीज है दैट इज यूज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहां पर जैसे आप इंडिया की बात कर लें आपको बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर लोग कह कुछ रहे होते हैं पर उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रहा होता है राइट right. अगर आपने पीके मूवी देखी है तो वहां पर भी एक डायलॉग आता है जहां पर वो इसी चीज को एक्सप्लेन करता है कि द वर्ड रिमेन्स द सेम आमिर खान सेम थिंग कि यहां पर जो वर्ड है जैसे उन्हें एग्जांपल दी थी कि अच्छा 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 तो दैट मींस वी आर सेइंग इट इन डिफरेंट वे तो अगर जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर इतना ज्यादा बॉडी लैंग्वेज का रोल नहीं होता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स टॉक अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन का रिएक्शन होता है तो यहाँ पर रिजर्व रिएक्शन होते हैं इनवर्ड रिएक्शन होते हैं किसी की कोई बात बुरी भी लग गई तो लोग रिएक्ट नहीं करते लोग सुन लेते हैं समझ लेते हैं और फिर सोचते हैं मौका आएगा तो बदला ले लेंगे दैट इज वॉट पीपल्स बिलीव इन एशियन कंट्रीज आर टॉकिंग अबाउट ए हर हर लोग इसमें नहीं आएंगे बट ए लार्जर पॉपुलशन कम्स इन टू दिस पिक्चर ओनली ऑन द अदर साइड विल वी टॉक अबाउट लो कंटेक्स कल्चर वहां पर क्या होता है आउटवर्लड रिएक्शन देखने को मिलता है अगर कोई भी चीज मुझे सही नहीं लगती मैं इमीडिएटली रिएक्ट करता हूं विदाउट थिंकिंग वट विल हैपन इल रिएक्ट इन एशियन कंट्रीज डेपन लाइक आपको पहले चार डिफरें समझ में आगे होंगे ग्रुप का, किस तरह का नजर आता है तो यहां पर स्ट्रॉन्ग डिस्टिंक्शन बिटवीन इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप इन ग्रुप मतलब मेरे जो अंदर लीडर है लीडर के अंदर कुछ लोग होते हैं मतलब पीपल हु आउट ग्रुप जो लोग लीडर को उतना पसंद नहीं करते या लीडर जिनको पसंद नहीं करता तो इनके बीच में आपको क्लियर डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है एल एम एक्स थ्योरी में भी मैंने इन ग्रुप आउट ग्रुप को बहुत डिटेल में पढ़ाया था अब वो भी लेक्चर देख सकते हैं जबकि यहां पर क्या है फ्लेक्सीबल एंड ओपन ग्रुपिंग पैटर्न चेंजिंग एज पर नीडेड यहां पर नीड के हिसाब से यह चेंज होता रहता है इन ग्रुप पीपल कैन कम टू आउट ग्रुप आउट ग्रुप पीपल कैन कम टू इन ग्रुप बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द लीडर राइट right. लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता इन दिस लो कल्चर जो इन ग्रुप में है वो इन ग्रुप में ही रहेगा उसको हम फेवर करते रहेंगे जो आउट ग्रुप में है वो आउट ग्रुप में ही रहेगा उसको हम कभी भी फेवर नहीं करेंगे लेट्स कम टू पीपल बॉन्ड पे किस तरह का होता है तो पीपल बॉन्ड मीन यहाँ पर फैमिली को बहुत वैल्यू दी जाती है लोग कम्युनिटी से काफी एसोसिएट करते हैं जबकि यहाँ पे क्या है जो बॉन्ड होते हैं वो काफी फ्रेजाइल होते हैं पीपल हैस सेंस ऑफ लॉयल्टी यहाँ पे लॉयल्टी बहुत कम होती है आपको इंडिया में भी आप देख सकते हैं कि वॉट हैपन्स पीपल है लेकर काफी लॉयल होते हैं जबकि फॉरन कंट्रीज में यूएस स्पेसिफिकलीयल्टी लॉयल्टी वहां पर बहुत बड़ा इश्यू है लेवलशिप तो यहाँ पर जो लेवलेंट है वो हाई है ऑब्बियसली क्योंकि लॉयल्टी हाई है बॉन्ड हाई है तो कमिटमेंट भी हाई होगा यहाँ पे क्या है बहुत ही लो कमिटमेंट देखने को मिलता है लोग अपनी जरूरत के हिसाब से जुड़ते हैं एंड लेटर ऑन दे डिस्पर्स इसके अलावा जो लास्ट थीज हैिटी ऑफ टाइमिंग टाइमिंग को लेकर यहाँ प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोडक्ट प्रोडक्ट यहाँ पे किसी भी तरह का निकले प्रोसेस बहुत प्रोसेस पे फोकस किया जाता है टाइमिंग फ्लेक्सिबल है लोग बहुत ज्यादा डेडलाइन पे काम नहीं करते जबकि यहाँ पे टाइम जो होती है वो डेडलाइंस होते हैं हाईली ऑर्गेनाइज होता है एंड मोर इम्पोर्टेंटली प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोसेस से सो दैट इज वॉट द डिफरेंस बिटवीन हाई कंटेस्ट कल्चर एंड लो कंटेक्स कल्चर आई होप आपको इसे समझ में आ गया होगा लेट्स टॉक अबाउट टाइम अब सेकंड फैक्टर जो उन्होंने बताया था हॉल ने दैट इज टाइम अब टाइम के हिसाब से क्या है यहाँ पे फिर टाइम का भी दो डिफरेंस है वन इज कॉल्ड द मोनोक्रोनिक एंड अदर इज कॉल्ड पॉलिक्रोनिक अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो जाते हैं वो साथ साथ में समझते चलते हैं मोनोक्रोनिक टाइम क्या होता है मींस मींस इट डूइंग वन वन थिंग एट टाइम। तो जो लोग मोनोक्रोनिक टाइम को फॉलो करते हैं इन द कल्चर दे ओनली डू वन थिंग एट वन टाइम राइट उनका पूरा फोकस एक काम पे होता है जब वो किसी एक काम को कर रहे होते हैं सेकेंड एज्यूम्स केयरफुल प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ये वो लोग होते हैं ये वो कंट्रीज होती हैं जो लगातार प्लानिंग करती रहती है जैसे आप जापान को देख सकते हैं जापान बहुत ज्यादा प्लानिंग पर फोकस करता है उनका इंप्लीमेंटेशन बहुत क्विक होता है लेकिन प्लानिंग में उनको बहुत टाइम लग जाता है ठीक है ऑन द अदर साइड कंट्रीज लाइक इंडिया यहाँ पर प्लानिंग हो सकता है बहुत जल्दी हो जाती है हर समय प्लानिंग ही होती रहती है इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखो बट इम्प्लीमेंटेशन में हम थोड़ा पुअर हैं अप्रोच दैट एपियन डिसिप्लिन सच एज टाइम मैनेजमेंट अब यहाँ पर लोग टाइम मैनेजमेंट को बहुत फोकस करते हैं टाइम शेड्यूल बनाना शेड्यूल को फॉलो करना डिसिप्लिन लाना इन चीजों पर उनका फोकस रहता है इन द केस ऑफ मोनोक्रोनिक टाइम मोनोक्रोनिक पीपल टेंसो टू बी ऑन द लो कॉन्टेक्स अभी हमने लो कंटेक्ट के बारे में बात किया है तो ये कहीं ना कहीं लोड कंटेक्स वाले लोग हैं जो लोग मोनोक्रॉनिक टाइम को फॉलो करते हैं पोलिक्रोनिक पोलिक्रोनिक क्या होता है दैट ह्यूमन इंट्रैक्शन इज वैल्यूड ओवर टाइम एंड मेटीरियल थिंग एक तो पोलिक्रॉनिक का मतलब होता है वी आर डूंग मल्टीपल थिंग्स एट वन टाइम बहुत सारे काम हम एक साथ कर रहे हैं इसके अलावा यहाँ पर जो ह्यूमन का इंटरेक्शन है उसको बहुत वैल्यू किया जाता है ओवर मेटीरियल थिंग्स कि लोग एक दूसरे से मिले एक दूसरे से बात करें उस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू की जाती है इट्स अ मोर अबाउट हाई कंटेक्स कल्चर से निकल कर आता है लेट्स टॉक अबाउट इट लीड्स टू लेस कंसर्न फॉर गेटिंग थिंग्स डन यहाँ पर टास्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है बस इतनी सी बात हमें समझनी है जस्ट लाइक हाई कंटेक्स कल्चर हमने वहां पर भी बात की थी यहां पे लोगों के साथ जो ह्यूमन बॉन्डिंग है जो लॉयल्टी है वो चीज ज्यादा वैल्यू करती है एज कंपेयर टू टास्क इन हैंड लोग का ये सोचना है अगर बॉन्डिंग अच्छी है तो टास्क तो हम कर ही लेंगे दैट इज वॉट द पॉलिक्रॉनिक पीपल थिंग्स दे डू गेट डन बट मोर इन देयर ओन टाइम यहां पर क्या है कि वर्क जो है वो काम हो तो जाता है बट अपने टाइम के हिसाब से होता है दे डोंट फॉलो अ स्ट्रिक्ट डेडलाइन दे डू इट एज पर देयर ओन कन्वीनियंस

एंड आवर रिलेशनशिप विद इन आप एक चीज समझते होंगे कि हम रेगुलरली स्पेस की बात करते हैं specifically in relationship, कि हमें रिलेशनशिप में स्पेस चाहिए हमें अपनी प्राइवेसी चाहिए तो वो कहते हैं कि जो स्पेस की अंडरस्टैंडिंग है वो भी कल्चर के हिसाब से वैरी करती है कुछ जगहों पर लोगों को ज्यादा स्पेस चाहिए होता है कुछ जगहों पर कम चाहिए होता है तो उसके बारे में भी आप बात करते हैं तो एस ह्यूमन बींग्स अबाउट स्पेस और अगर आप ध्यान से देखें तो जो ह्यूमन बींगस है पार्किंग like का स्पेस चाहिए ऑफिस में चाहिए हो, घर में स्पेस चाहिए रिलेशनशिप में स्पेस चाहिए हम हमेशा स्पेस को लेकर बहुत ज्यादा बॉर्ड रहते हैं एज ह्यूमन बींगेड ऑन द नीड ऑफ स्पेस इट इज अगेन डिवाइडेड टू कैटेगरीज अगेन ये दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है फर्स्ट इज कॉल्ड लो टेरिटोरियल जिनको कम स्पेस चाहिए

देर ऑलवेज बिलीव दैट थिंग शुड बिलोंग टू अस हर चीज को यह अपना बताते हैं जो चीज इनको बिलिंग करती है हमेशा एरिया बनाते रहते हैं कि भाई ये एरिया मेरा है ये एरिया मेरा नहीं है सो दिस दे आर ऑलवेज बिलीविंग इन ओनरशिप टेरिटोरियल जिनका हाई होता है ठीक है सेकेंड पॉइंट इज टेरिटोरियल ियल थिंग्स material things. Material things को तो ऑब्वियसली अपने ओनरशिप में लाते ही लाते हैं और हर चीज को माइंड के साथ एसोसिएट कर देते हैं कि ये वाली चीज जो है वो मेरी है इसको कोई और यूज ना करे दैट इज वॉट ओनरशिप इज ऑल अबाउट और आपको ऐसे लोग आपको अपने घर में भी मिल जाएंगे कोई ऐसी मुश्किल की बात सिक्योरिटी दस बिकम सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट कंसर्न पीपल हाई नीड ऑफ ओनरशिप ऑब्वियसली बात है हर चीज को जो आदमी अपना बताता है वो हमेशा इनसेक्योर फील करता रहता है इनसेक्योर इसलिए उसको ये लगता रहता है कि कोई मेरी ये चीज ले न ले दैट इज द रीजन वाई दे आर ऑलवेज इनसेक्योर और सिक्योरिटी इनका बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है द पीपल वो आर हाई टेरिटोरियल टॉक अबाउट लो टेरिटोरियल ना लो टेरिटोरियल के लोग किस तरह के होते हैं उंड्रीज एंड लेस इंपॉर्टेंट टू दम इनके लिए बाउंड्रीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना ओनरशिप इतना इंपॉर्टेंट है ये इतना ज्यादा स्पेस को लेकर बॉर्डर नहीं होते कि ये चीज मेरी है और यह चीज किसी और की है जो चीज इनके सामने आती है इनको अपने जरूरत के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर लेते हैं सेकेंड थिंग दे विल ऑलवेज शेयर टेरिटरी एंड ओनरशिप विद लिटिल थॉट ये अपनी कोई भी चीज किसी के साथ भी शेयर कर लेते हैं बट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर पीपल हु आर ऑन हाई टेरिटोरियल वो अपनी चीजों को शेयर करने में बिलीव नहीं करते उनका कहना होता है ये मेरी है आप अपना लेकर आओ दैट इज वॉट दिस से थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दे ऑल्सो फॉर मेटेरियल ओनरशिप इनको मेटेरियल चीजों का ज्यादा लालच नहीं होता उतने ज्यादा चीजों को बॉदर नहीं करते एंड देयर सेंस ऑफ स्टीलिंग इज लेस डेवलप्ड ऑल्सो और इसी वजह से किसी से कोई चीज चुराते नहीं है कोई भी चीज किसी से चुराते नहीं है क्यों नहीं चुराते बिकॉज इनको ओनरशिप में ये बिलीव ही नहीं करते कि चुरा कर मुझे अपना बनाना है दिस इज नॉट देयर वे ऑफ डूइंग थिंग्स दे बिलीव इन शेयरिंग उनको लगता है अगर हम किसी के साथ शेयर करेंगे तो कोई हमारे साथ भी शेयर कर लेगा तो हमें किसी चीज को अपना बनाने की जरूरत ही क्या है पीपल विध लो टेरिटोरियल हाई कंटेक्स वाले लोग हैं क्योंकि इनको इतना ये bother नहीं करते जबकि जो लो कंटेक्सट वाले लोग हैं वो हमेशा स्पेस को लेकर बॉर्डर्ड रहते हैं तो आई होप क्या आपको ये समझ में आ गया हो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई कंटेक्स लो कंटेक्सट हाई स्पेस लो स्पेस एंड मोर इंपॉर्टेंटली मोनोक्रोनिक एंड पॉलिक्रोनिक